अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में मंडल आयुक्त सभागार में डेंगू से बचाव के लिए बैठक की गई। उन्होंने कहा कि डेंगू वाले मच्छर किसी भी व्यक्ति को 3 से 5 बार काटता है, तब जाकर मच्छर का पेट भरता है। इस बीमारी में 60 से 65% लोग उसका वायरस शरीर में रहता है, वही संक्रमण ले जाकर दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण करता है। इस पर सतर्कता रखना बहुत जरूरी होता है। इस बीमारी को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, इससे जान भी जा सकती है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बीमारी का दूसरा कोई भी होस्ट नोन होस्ट नहीं है, केवल मैन टू मैन ट्रांसमिशन होता है थ्रू मॉस्किटो। तो इस बीमारी का रोका जाना देखा जाए तो काफी हद तक संभव है। बहुत ही हाई ट्रांसमिशन रेट इस बीमारी का होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अमूमन दूसरे बीमारी के जो मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं, दूसरे मच्छर एक बार खून लेते हैं, खून लेने के बाद उनका पेट भर जाता है, फिर चले जाते हैं, आराम करते हैं, आराम करने के बाद से एगलिंग का काम करते हैं। लेकिन डेंगू का जो मच्छर होता है, जिसको हम एडीज एजेटाई मेन हमारा वेक्टर होता है, ये कम से कम 3 से 5 बार मनुष्यों को काटता है, तब जाकर के इसका पेट भरता है। तो साधारण सी बात है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन दूसरी वेक्टर बॉर्न डिजीज की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा होना लाजमी है। एक सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी में है कि 60 से लेकर 65% तक केसेज जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उसमें डेंगू के कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन वायरस उसके शरीर में होता है, जो होस्ट होता है उसके शरीर में वायरस होता है। और अगर संक्रमित मच्छर आ रहा है, उसको खून ले रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को भी वो ट्रांसमिशन कर सकता है। एस्प्रिन का काम होता है कि खून को पतला करना। डेंगू बीमारी में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, प्लेटलेट्स कम होने से खून पतला होता है, हेमरेज की गुंजाइश बढ़ी रहती है, और अगर एस्प्रिन जैसी दवा लेते हैं तो हेमरेज की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर गलत और हमारी ये बहुत सरल अगर आप देखें कि टेंडेंसी होती है कि कोई भी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले जाकर के मेडिकल स्टोर से अपने दवा लेना चाहता है। तो इस तरह से केयरलेसनेस और गलत दवाओं का सेवन इस रोग में जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू का जो मच्छर होता है वो केवल डेंगू बीमारी नहीं फैलाता है, और भी खतरनाक वायरस डीजे जैसे जीका वायरस 3-4 साल पहले अभी हमारे कानपुर में इसके केसेस आ चुके हैं, चिकनगुनिया, येलो फीवर, इस तरह की बीमारियों का भी प्रसारण इस मच्छर के द्वारा होता है। तो केवल हम डेंगू को नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर डेंगू कंट्रोल पे हम काम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ और भी संभावित बीमारियों पर हम रोक लगा सकते हैं।